देश में जनसंख्या के मामले में तीसरे सबसे बड़े राज्य यानी बिहार से अक्सर कई अतरंगी खबरें सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में हाल ही में बिहार के भागलपुर के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने बीच कार्यक्रम में कुछ ऐसा कर दिया कि अब उनके नाम की चर्चा फिर से चारों तरफ होने लगी है। दरअसल पूरा मामला बिहार के भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कार्यक्रम का था, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि और कई बिजनेसमैन शामिल हुए थे, जिसके बाद तमाम नेता मंच से बिहार के विकास की गाथा और आने वाले दिनों में सरकार बिहार के विकास के लिए क्या क्या करेगी उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच मंच पर मंत्री श्रवण कुमार के बगल में बैठे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कुर्सी पर सर रखकर गहरी नींद लेते नजर आए। लेकिन अक्सर अपने अनोखे कारनामों के कारण सुर्खियों में रहने वाले विधायक गोपाल मंडल की यह हरकत मीडिया के कैमरों में कैद हो गई और अब उनकी जमकर थू-थू हो रही है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विधायक जी ऐसे सोए जैसे मानो वे जनता का काम करते करते काफी थक गए हों और साथ ही उन्होंने कई रातों से अच्छी नींद ना ली हो। हालांकि जब विधायक जी पर मंत्री श्रवण कुमार की नजर पड़ी तो उन्हें जगाया गया। मैं आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा सीट से गोपाल मंडल लगातार 2005 से चुनाव जीत रहे हैं। गोपाल मंडल का आधिकारिक नाम नरेंद्र कुमार नीरज है, लेकिन राजनीति में उन्हें इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। गोपाल मंडल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कट्टर समर्थक माना जाता है। हालांकि गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता है। उनके साथ जुड़ा हुआ सबसे पहला विवाद 2016 में हुआ था, जब उन्हें बिहार के भोजपुर जिले में एक विवाह समारोह में बाल डांसरों के साथ नाचते हुए देखा गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।